मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय जोन एक के डीसीपी अमित काले की टीम ने मीरा रोड पुलिस स्टेशन की हद में एसके स्टोन पुलिस चौकी के पास एक लॉजिंग के बाहर से दो दलालों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से पांच पीड़ित लड़कियों को रेस्क्यू किया है। दलाल के कब्जे से छुड़ाई गई लड़कियां भोजपुरी फिल्मों में मॉडलिंग वेब सीरीज में काम करती थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें मुखबिर से ऐसी जानकारी मिली थी कि दो दलाल लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से गुजर रही भोजपुरी फिल्म वेब सीरीज और मॉडलिंग करने वाली लड़कियों को पैसों का लालच दिखाकर उनसे देह व्यापार करा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने डमी कस्टमर भेजकर दलालों से संपर्क किया और उन्हें लड़कियां लेकर मीरा रोड के एसके स्टोन पुलिस स्टेशन के करीब मौजूद लॉज में लाने को कहा। जब दोनों दलाल पांच लड़कियों को लेकर लॉज के करीब पहुंचे उस वक्त पहले से जाल बिछाए पुलिस ने दोनों दलालों को गिरफ्तार, उनके कब्जे से पांच लड़कियों को छुड़ाया। इस मामले में मीरा रोड पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत गुनाह दर्ज कर दोनों दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, पीटा के तहत आपने कार्रवाई की है, कितने लोगों को अरेस्ट किया है और कितनी जो लड़कियों को छुड़ाया है दलाल की वजह से? आज माननीय पुलिस उपायुक्त अमित काले साहब, इनको जो मालूमत मिला उस मालूमत के आधार पर साहब ने मेरी और मेरे साथ में पुलिस स्टाफ ऐसे जाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसके हिसाब से मीरा रोड पर एक अच्छे से लॉज के ऊपर कुछ मॉडलिंग करने वाली लड़कियां, भोजपुरी फिल्म में काम करने वाली लड़कियां आने वाली है और उनको जो दो मीरा भाईंदर में लोग रहते हैं वो लेके आने वाले, ऐसी मालूमत थी जिसके तहत हमने पुलिस स्टाफ, पंच और ग्राहक ऐसा मैनेज करके वहाँ पर जाके सक्सेसफुल रेड किए और पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। सर, इनको पकड़ा है, ये लोग किस तरह से रैकेट को ऑपरेट करते थे? अभी ये रैकेट कैसा चलता है ये तो तफ्तीश के बाद ही मालूम चलेगा। अभी स्टेज जो है प्रीलिमिनरी स्टेज है, इसके तहत हम कुछ ज़्यादा इसके बारे में मालूम दे नहीं सकते। तो ये जो दलाल हैं ये मीरा भाईंदर में ही ऑपरेट करते थे या मीरा भाईंदर से बाहर भी इनका रैकेट था? इनका रैकेट मीरा भाईंदर से बाहर भी है, जो पूरी इंक्वायरी के बाद ही सामने आएगा। तो ये किस तरह से कितने उसमें पैसे में लोग बुकिंग लेते थे या किन लोगों को लड़की हुआ करते थे? ये जो लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री मॉडलिंग के लिए बाहर गांव से आती थी, उनके साथ फोटोग्राफर या बोल के ऐसा कुछ ना कुछ बहाने से उनके करीब पहुँचते थे और उनको पैसे की किल्लत या काम की न मिलने की वजह से जो मजबूरी आती थी उस मजबूरी के देखते हुए इनको पैसे की ऑफर देके इनको इस काम के लिए राजी करते थे, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में मालूम चल रहा है। इस मामले में यही दो आरोपी हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं? इसके अलावा आरोपी और बढ़ सकते हैं। मीरा भाईंदर से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।